राजकोट में ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ कि अगर पत्थर दिल इंसान भी है तो उसका दिल रो उठे। 30 लोगों ने जान गंवाई और उसमें ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे और नवयुवक थे। एक गेम जोन जहां चल रहा था वहां किसी तरह की कोई परमिशन उनके पास नहीं थी। रेसिडेंशियल जोन में कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, फायर सेफ्टी के कोई कदम नहीं उठाए थे। अंदर जाने का सिर्फ एक छोटा एंट्रेंस था, इमरजेंसी में बाहर निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी और 30 लोगों की जान गई। और अब बड़े दुख की बात तो ये है कि पूरी इलीगल एक्टिविटी और ऐसी घटनाएं पूरे गुजरात में भाई मुक्त भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी वजह से हो रही है। मैंने आज प्रेस और मीडिया के साथियों को कुछ तस्वीरें दिखाई। जिस शहर में हादसा होता है उसी शहर का मेयर वहाँ पे जाता है, वो इल्लीगल काम करने वाले लोग अपने सोशल मीडिया पे मेयर के साथ तस्वीर चिपकाते हैं और चलाते हैं। उसी जगह पे बीजेपी का लोकल एमएलए जाता है, मेयर भी बीजेपी के हैं, बीजेपी के एक जनरल सेक्रेटरी यहाँ के वो जाते हैं और लिखते हैं कि ये और बीजेपी की टीम आई है हमारे वहाँ, सोशल मीडिया पे चलाते हैं। उसके बाद शहर के कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर जाते हैं, कलेक्टर जा रहे हैं, एसपी जा रहे हैं और जोन के पुलिस ऑफिसर्स भी जा रहे हैं और सब की तस्वीरें वही गेम जोन वाले अपने सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। इसका मतलब साफ है कि ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी, सबके सामने ये हो रहा था। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी अपने धन संग्रह के लिए ऐसे ही इलीगल काम करने वालों से हफ्ते लेती है और प्रशासन भी पूरा इसके साथ मिल चुका है। ये पहला हादसा नहीं है। सूरत में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में छोटे छोटे बच्चे इसी तरह से मारे गए हैं। कुछ ही दिन पहले बड़ौदा में एक नाव, एक जो कॉरपोरेशन के अंडर में आते हुए तालाब में किसी भी सुरक्षा के प्रावधान के बिना जाती है, वो पलटती है और बच्चे जान गंवा देते हैं। इसी तरह से एक ऐसी कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड थी, बीजेपी को पैसा दिया, ब्लैकलिस्ट से नाम निकल गया और उसको काम दे दिया ब्रिज बनाने का बनासकांठा के पालनपुर में, वो बिना इनोग्रेशन हुए ब्रिज गिरता है और नीचे लोग दब के मरते हैं। ये गुजरात में भाजपा का मॉडल है। हमारी मांग है कि एफआईआर में जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं उनके नाम डलने ही चाहिए, आज तक नहीं डले गए। छोटे छोटे लोगों को, छोटी मछलियाँ को पकड़ते हैं और मगरमच्छों को छोड़ देते हैं, इसलिए गुजरात में ये हो रहा है। किसी की भी जान जाती है उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता है, पर जो लोग उस दिन वहाँ गए और जिनकी जान गई वो ज़्यादातर गरीब लोग हैं, क्योंकि एक स्पेशल स्कीम उस दिन थी 99 रुपीज़ में आओ और गेम जोन में एंट्री लो, वरना 400 रुपया है। तो इसलिए जाने वाले लोग गरीब लोग थे ज़्यादातर। मुआवजा जान वापस नहीं लाएगा, उसका कोई कंपनसेशन नहीं हो सकता है, पर फिर भी क्योंकि ये ज़रूरतमंद परिवार है और उसके ऊपर बहुत बड़ा दुख आया है तो सरकार उनको पुख्ता कंपनसेशन दे। अभी मजाक जैसी रकम है वो ना करें। इतने बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है और छोटी एसआईटी कुछ नहीं कर पाएगी।
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए ही इसकी जांच हो, ये हमारी मांग है।